do bear a grudge. Welcome to the world of dad. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ top 10 great action movies. हमारी number 10 पे है Hitman's Wife's Bodyguard. ये साल इसके लिए धमाकेदार रहा है. Bodyguard गिरी में इसका कोई मुकाबला नहीं. गन चलाने में माहिर, कार को ऐसे चलाता है जैसे खिलौना. Michael Bryce है Bodyguard of the Year. Woo! Hitman's Wife's Bodyguard एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर है पैट्रिक ह्यूज. ये फिल्म एक सीक्वल है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड की. द फिल्म फीचर्स रायन रेनॉल्ड्स, सैमुअल जैक्सन, सालमा हायेक एंड मेनी मोर. ये फिल्म फॉलो करती है एक सस्पेंडेड बॉडीगार्ड को जो कि अगेन टीम अप करता है हिटमैन की वाइफ के साथ जो कि एक टेरर अटैक को रोकना चाहती है और अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है. हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड वॉज थियोरेटिकली रिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जून 2021. जिसका मतलब है गोली बंदूक, मार धाड़ और खून खराबे से दूर. एक मिनट, ये खजूर यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है बच्चा मूत रहा है. मैं मेडिकेशन पर हूँ. मैं इतना अच्छा मदर बनेगा है कि नहीं? अरे इतनी अच्छी माँ बनोगे कि पैदा होते बच्चा माँ नहीं बोलेगा, थैंक यू बोलेगा. हमारी नेक्स्ट फिल्म है इन्फिनिट. Hello, old friend. इन्फिनिट एक अमेरिकन साइंस फ्रिक्शन एक्शन फिल्म है जिसके डायरेक्टर है एंटोनी फुकुआ. फिल्म के हीरो है मार्क वेलबर्ग. द फिल्म वॉज डिजिटली रिलीज ऑन पैरामाउंट प्लस ऑन जून 2021. फिल्म को मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स हु क्रिटिसाइज्ड परफॉर्मेंस एंड स्क्रीन प्ले विद कंपेयरिंग अदर फिल्म्स लाइक द मैट्रिक्स एंड ऑल दैट. इन्फिनिट इज बेस्ड ऑन स्टोरी बाय टॉरस्टीन. इफ यू कैन रिमेंबर हु यू वर understand who you can become. हमारी नेक्स्ट फिल्म है विदाउट रिमोर्स. विदाउट रिमोर्स आल्सो नोन एज टॉम क्लैंसीज विदाउट रिमोर्स एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है. द फिल्म इज बेस्ड ऑन 1993 नोवेल विदाउट रिमोर्स बाय टॉम क्लैंसी. द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय स्टेफानो सुलीमा. फिल्म का प्लॉट फॉलो करता है जॉन कैली को जो की एक US नेवी ऑफिसर है. ये निकलते हैं एक रिवेंजफुल पाथ पे जब उसकी वाइफ को कुछ रशियन हिटमैन मार देते हैं. द फिल्म वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस एंड थियोरेटिकल सेट बाय पैरामाउंट पिक्चर्स बट ड्यू टू डिले Amazon acquired all the rights and digitally released on Prime Video. Without Remorse received mixed reviews from critics who praised Jordan's performance but called a generic film. हमारी नंबर 7 पे है मॉर्टल कॉम्बैट. मॉर्टल कॉम्बैट एक अमेरिकन मार्शल आर्ट्स फैंटेसी फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है साइमन मैकक्वायर ने. यह फिल्म बेस है वीडियो गेम सीरीज ऑफ मॉर्टल कॉम्बैट के ऊपर. तो तुम्हें पता है इस फिल्म को रिबूट किया गया है और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है मॉर्टल कॉम्बैट फिल्म सीरीज की. ये फिल्म फॉलो करती है मार्शल आर्ट्स फाइटर को जो अनअवेयर है सब जीरो के बारे में. फिर हमारा प्रोटैगोनिस्ट आगे जाके वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए और वर्ल्ड को बचाने के लिए सब जीरो का सामना करता है. चाहे मेरे कितने भी योद्धा मारे जाए हम हार नहीं मानेंगे. मार डालो इन्हें. मैं हूं सब जीरो. हमारी नेक्स्ट फिल्म है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग. दुनिया के खत्म होने की मेरे आका इस दुनिया का अंत निश्चित है. मुझे तुम्हारी जरूरत है एक टीम बनाने के लिए जो दुनिया को बचा सके.
जैक स्नाइडर्स रेफर करती है स्नाइडर कट को, जो कि एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिफ्थ फिल्म है, जो कि बेस्ड है टीम ऑफ जस्टिस लीग के ऊपर। फिल्म फॉलो करती है बैटमैन, वंडर वुमन, साइबॉर्ग, एक्वामैन और सुपरमैन को, जो कि एक अलायंस फॉर्म करते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशनल न्यू गॉड स्टीफन वुल्फ और उसकी आर्मी पैराडीमॉन्स को रोकने के लिए। ये एक HBO मैक्स ओरिजिनल फिल्म है, जो कि रिलीज की गई थी फैंस की डिमांड पे। पूरा यकीन है, जब तक हम एक साथ हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इज्जत की कोई कीमत नहीं। तुम तो जानते ही हो। हमारी नेक्स्ट फिल्म है नोबडी। नोबडी एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है इलिया नाइसुलर। फिल्म की स्टार कास्ट है बॉब कॉनी, एलेक्सी रजा एंड क्रिस्टोफर लॉयड। फिल्म फॉलो करती है माइड मैनर्ड फैमिली मैन को, जो कि रिटर्न करता है अपनी फॉर्मल लाइफ ऑफ एन असैसिन, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है एक वेंजेंसफुल क्राइम लॉर्ड से। यूनिवर्सल पिक्चर ने नोबडी को रिलीज की थी यूनाइटेड स्टेट्स में मार्च 2021 में। फिल्म ग्रोस्ड $57 million वर्ल्ड and received generally positive reviews from critics, who praised the action sequences and Bob's performance. चलो सब लोग बेसमेंट में जाओ। बताओ बात क्या है? पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। हमारी नेक्स्ट फिल्म है रैथ ऑफ मैन। रैथ ऑफ मैन एक हीस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट की है गाय रिची ने। ये फिल्म एक फ्रेंच फिल्म है कैश ट्रक के ऊपर। जेसन स्टैथम एज एच एक कैश ड्रग ड्राइवर है लॉस एंजलिस में, जो कि एक लीड स्किल सेट पर्सन है अपने मिस्टीरियस पास्ट के साथ। रैथ ऑफ मैन वॉज रिलीज इन सेवरल कंट्रीज ऑन April 2021। इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे फ्रॉम क्रिटिक्स एंड द फिल्म हैज ग्रोस्ड $104 million वर्ल्ड वाइड। You think you've done everything? I can see it's gonna be a long night. Hamari next film hai The Boss Level. I used to complain that every day felt the same, and now every day is the same. Seriously. Shoes, pants, rip them, flip them. Okay, coffee anyone? The Boss Level एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है जो कार्नन। इसकी स्टार कास्ट में है फ्रैंक ग्रीलो एज रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर, जो कि एक नेवर एंडिंग लूप में स्टक हो जाता है। द फिल्म वॉज रिलीज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मार्च 2021 बाय हुलू। What if the ability to rewrite history was real? What if I can erase our mistakes? This gives me the power of God. Don't worry, son. I'll come back for you. हमारी नंबर 2 पे है Fast X. Fast X, also known as Fast and Furious 10, एक अमेरिकन एक्शन फिल्म है, जिसे डायरेक्ट की है लुइस लेट्रियर ने। ये मूवी सीक्वल है Fast and Furious 9 की। इसके स्टार कास्ट में है विन डीजल एज डोमिनिक टोरेटो। मूवी की कहानी की बात करें तो जेसन मोमोआ एज अ डांते अपने फादर का बदला लेना चाहते हैं डॉम और उसकी फैमिली से। सबसे पहले Fast X प्रीमियर हुई थी May 12, 2023 रोम में, और फिर यूनिवर्स पिक्चर्स ने इस फिल्म को रिलीज किया था May 19, 2023 इन लो आ गए वो। तू मेरे परिवार को कभी तोड़ नहीं पाएगा। हमारी नंबर 1 पे है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर। गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर एक अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट की है गारेथ एडवर्ड ने। ये फिल्म प्रोड्यूस की है लेजेंडरी पिक्चर्स ने एंड डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रदर्स। ये एक रिबूट है गॉडजिला फ्रेंचाइज की। ये कहानी फॉलो करती है गॉडजिला और इनके मॉन्स्टर क्रीचर्स को। मॉन्स्टर यूनिवर्स में एक जीरो नाम का कतई हराम एलियन होता है, जो की अर्थ पे बहुत साल पहले आया होता है। उसे कुछ लोग जगा देते हैं और फिर क्या, तबाही मचाने शुरू कर देता है। फिर हमारे मॉन्स्टर यूनिवर्स के सारे मॉन्स्टर्स और गॉडजिला सब लोग मिलके उसका सामना करते हैं। ये गॉडजिला की दुनिया है, हम तो सिर्फ इसमें रहते हैं। Godzilla 2, King of the Monsters. Thanks for watching and tell me which is your favorite movie. And I know that you have many suggestions, so tell me in the comment section.